दोस्तों एलिमेंट से रिलेटेड फिर से एक नया वीडियो लेकर आए, जिसमें आज हम बात करेंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टल ओवर इफेक्ट के बारे में और फ्लिप वर्टिकल ओवर इफेक्ट के बारे में। जब भी कोई कर्सर ले जाए तो इस तरह से हॉर इफेक्ट है, जिस तरह हमने डाले, एक डाला है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, एक डाला है वर्टिकल, तो आप कैसे डाल सकते हैं, टेक्स्ट हेडिंग या पैराग्राफ में कौन सा फंक्शन पीछे यूज करें, एलिमेंट में जब भी कर्सर ले जाए तो इस तरह के इफेक्ट आए। तो एलिमेंट में फ्लिप हॉरिजॉन्टल या फ्लिप वर्टिकल हॉर इफेक्ट डालने के लिए टेक्स्ट, पैराग्राफ या टेक्स्ट हेडिंग में इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाते हैं। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन होने के बाद लेफ्ट साइड पर वर्डप्रेस की सेटिंग आएगी एंड यहाँ पर पेजेस ऑप्शन आएगा, ऑल पेजेस पे हम क्लिक करेंगे। ऑल पेजेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेज को खोलेंगे एडिट विद एलिमेंटर में एंड यहाँ पर है हमारा टेक्स्ट, इनमें हम इफेक्ट डालेंगे हॉर इफेक्ट एंड यहाँ पर टेक्स्ट हेडिंग और पैराग्राफ टेक्स्ट है, इसके अंदर इफेक्ट डालेंगे हॉर का। ठीक है, तो इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं हम, क्योंकि दो और इफेक्ट हैं फ्लिप का, है ना। तो माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, यहाँ पर है डुप्लीकेट, इस पर क्लिक करके, जैसे कि दोस्तों मैंने काफ़ी बार बता दिया कि एलिमेंटर के अंदर दो एडिट एरिया होते हैं, एक होता है कंटेनर का, दूसरा होता है यहाँ पर विजिट का। तो हमें विजिट वाले पर क्लिक करना है, अगर हम इस पर करेंगे तो फंक्शन नहीं आएंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों तीन फंक्शन दिखाई देंगे, कंटेंट, इंस्टॉल एंड एडवांस। तो एडवांस के अंदर आपको इफेक्ट मिलेंगे होवर के, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ट्रांसफॉर्म, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर है होवर, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल, तो दोनों ही इफेक्ट डालेंगे। तो पहले में हम डाल देते हैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और ट्रांसलेट ड्यूरेशन कितना रखना है वो आप यहाँ से तय कीजिए, तो मैं इतना रख देता हूँ। एंड दूसरे में डालेंगे फ्लिप वर्टिकल, तो स्विच पर क्लिक, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फ्लिप वर्टिकल डाल देंगे, ट्रांसफॉर्म और हॉर, एंड यहाँ पर फ्लिप वर्टिकल इसको डाल देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर अपडेट कर देंगे एंड यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले हम यहाँ पर ले आते हेडिंग पर, देखिए इस तरह आ रहा है, इफेक्ट डल गया है ना। तो इस तरह इफेक्ट डालना है तो आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और इफेक्ट यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर माउस कर्सर दूसरी हेडिंग पे ले जाएंगे तो देखिए ये इस तरह आ रहा है। तो ये है हमारा वर्टिकल हॉर इफेक्ट, है ना। तो आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों हॉर इफेक्ट लगा सकते हैं फ्लिप के। अब अगर पैराग्राफ में लगाना है तो हो सकता है, तो पैराग्राफ में भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको फिर से एडिट में जाना और पैराग्राफ के एडिट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एडवांस में आएंगे, यहाँ पर मिल जाएगा ट्रांसफॉर्म एंड यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर हम कोई भी आप लगा सकते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो आप वर्टिकल लगाना चाहते हैं वर्टिकल को सिलेक्ट कीजिए और इसका ट्रांजिशन ड्यूरेशन कितना चाहिए ये सिलेक्ट कीजिए और अपडेट पे क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ रिफ्रेश करेंगे। और जब हम कर्सर ले जाएंगे देखिए ये भी काम कर रहा है ना। तो हमने यहाँ पर फ्लिप हॉरिजॉन्टल पैराग्राफ में भी लगाया है। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा आप लगा सकते हैं एंड इसका ट्रांजिशन ड्यूरेशन तय करना चाहें। अगर यहाँ पर मैं क्लिक करेंगे और इसको कम कर देंगे ट्रांजिशन ड्यूरेशन को, हॉवर को, जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ कम, तो यहाँ पर देखिए ये फास्ट काम करेगा, ये देखिए है ना। तो जितने आपकी स्पीड रखनी है वैसा आप रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। जब आपको हॉर इफेक्ट यूज़ करना हो फ्लिप का तो आपको यही आना होगा, ठीक है, ये फंक्शन यूज़ करने होंगे। आशा करते हैं वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों, और आपने फ्लिप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हॉर इफेक्ट लगाना सीख लिया होगा। तो इसी तरह की और एलिमेंटर से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।